पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस और उससे रिलेटेड सारे रिएक्शन, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं बोल दूँ, इसमें से कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं स्टार मार्क करूँगा, वो आपके लिए आपको याद करना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि नीट में आ सकता है 6 मई को। तो आइए एक बार हम देखते हैं शुरू से। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वह फॉस्फीन के बारे में, ठीक है, फॉस्फीन के कुछ रिएक्शंस पर डिस्कस करेंगे। तो फॉस्फीन के रिएक्शन डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं फॉस्फीन होता क्या है। फॉस्फीन क्या है? PH3, जस्ट PH3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फीन, ठीक है। देखिए फॉस्फीन का पहले प्रिपरेटरी में से देखते हैं क्या कैसे कैसे फॉस्फीन को हम प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉस्फीन का। यह क्या अपना फॉस्फीन है, इसको कैसे बना सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। कैल्शियम फॉस्फाइड CA3P2 को आप H2O से रिएक्शन कराइए, HCl से रिएक्शन कराइए, तो क्या होगा? यदि H2O से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये हाइड्रोलाइसिस करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन। कैसे? देखिए कैल्शियम में CA किस में है, यहाँ देख लीजिए आप, CA किस में होता है? +2 में है, ठीक है, समझ में आ रहा बात। और P किस में है? -3 में है। H2O में H+ और OH- में टूटेगा H2O, तो OH- आएगा किसके पास? कैल्शियम +2 के पास आकर अटैक करेगा। और जो H+ हो किसके पास आएगा? P के पास। और P के पास चूंकि -3 है इसलिए 3H+ को आना पड़ेगा, इसलिए क्या बन रहा है? PH3 बन रहा है अपना, ठीक है। तो ये पहले रिएक्शन का वो अपना मैकेनिज्म था। दूसरा रिएक्शन का भी जस्ट उसी तरह मैकेनिज्म है। कैसे? याद नहीं करना, जब रटना नहीं आपको, कैल्शियम +2 पर है, P-3 में है, ये टूटा H+ और Cl- में। निगेटिव पार्ट किसके पास आएगा? पॉजिटिव पार्ट के पास। और पॉजिटिव किसके पास जाएगा? निगेटिव के पास जाएगा, चूँकि यहाँ पर 3 नेगेटिव है। क्यों 3 नेगेटिव है? क्योंकि P-3 में है, तो हमको 3H+ लाना होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसलिए क्या बन रहा है यहाँ पर? PH3 बन रहा है और CaCl2CH2। इसलिए जो अभी पहला दोनों रिएक्शन था उसमें हमें याद नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक है, तो मैंने आपको बता दिया ऐसे याद रखना। फिर एक इंपॉर्टेंट क्या है कि जब वाइट फॉस्फोरस P4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, यानी किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, तब क्या बनता है? तब भी फॉस्फीन बनता है और साथ में NaH2PO2। तो ये बस इतना ध्यान रखना आपको कि जब भी वाइट फॉस्फोरस P4 क्या बोलते हैं, वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, तो क्या बन रहा है? फॉस्फीन बन रहा है, साथ में NaH2PO2। क्लियर है? आते हैं एक और चीज़। देखिए जब फॉस्फीन होता है प्योर, जब फॉस्फीन प्योर यानी कि उसमें किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो वो होता है नॉन इन्फ्लेमेबल। लेकिन उसमें जब कुछ इम्प्योरिटीज आ जाते हैं तो उस इम्प्योरिटीज़ के कारण फॉस्फीन क्या हो जाता है? फ्लेमेबल हो जाता है। किन इम्प्योरिटीज़ के कारण फ्लेमेबल होता है? तो NCERT लिखती है कि P2H4 या P4 के जो वेपर्स हैं ना, उनके कारण इन्फ्लेमेबल हो जाता है फॉस्फीन। क्यों P4 के कारण इन्फ्लेमेबल होता है? ये P4 क्या है? वाइट फॉस्फोरस। और वाइट फॉस्फोरस अभी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ जो दिया है कि ये अनस्टेबल होता है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ P4 के वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं फॉस्फीन के साथ, तो उसको क्या बनाते हैं? फॉस्फीन को इन्फ्लेमेबल बना देते हैं। देखिए व्हेन प्योर फॉस्फीन दैट इज नॉन इन्फ्लेमेबल बट बिकम्स इन्फ्लेमेबल ओइंग टू प्रेजेंस ऑफ P2H4 या P4 वेपर्स। सही बात है। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये P2H4 या P4 है उसको हटाने के लिए प्योरीफाई करते हैं फॉस्फीन का। कैसे करते हैं प्योरीफाई? टू प्योरीफाई इट फ्रॉम इम्प्योरिटीज ये रिएक्शन करवाते हैं। पहले क्या करते हैं, फॉस्फीन को HI में एब्जॉर्ब कराते हैं। HI में एब्जॉर्ब करता है तो बनता है PH4I। यहाँ पर मैं रिएक्शन यहाँ पर आगे डिस्कस करूँगा। फॉस्फीन का क्या करवाएं हम? HI में एब्जॉर्प्शन कराएं तो बनता है PH4I, ठीक है। इस PH4I का फिर हम बेसिक मीडियम KOH से रिएक्शन कराते हैं तो फिर प्योरीफाई होकर मुझे PH3 मिल जाएगा। ये I चला जाएगा K के पास, I- है और ये K+ है तो KI बन गया, ठीक है। OH एक H निकल के इसके पास आ जाएगा, OH- और एक PH4+ का एक H आ जाएगा, OH- के पास H2O बन गया और बचा गया PH3, तो PH3 पर निकल जाएगा। तो ये भी लॉजिक बेस था, ठीक है। ये था प्रिपरेशन करते हैं फॉस्फीन का कैसे, ये था प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो ये नीट में आ सकता है कि प्यूरिफिकेशन का मेथड क्या है, क्योंकि मैं पहले ही बोल दूँ जितने भी रिएक्शंस जितने भी लाइंस यहाँ इस बोर्ड पर लिखे हैं सारे लाइंस NCERT से, इसलिए आप ये वीडियो अंतिम तक देखें ताकि आपको सब कुछ याद हो, NCERT का एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आपसे। फिर क्या है, फॉस्फीन का रिएक्शन करा रहे हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ और HgCl2 के साथ, तो क्या बन रहा है? कॉपर के साथ Cu3P2 और HgCl2 के साथ Hg3PO2। इस पहले का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं एक बार। कॉपर किस में है? +2, जबकि सल्फेट किस में? -2 में। क्लियर है? PH3 को ब्रेक करते हैं हम, ये P-3 में होगा और H तो अपना प्लस में ही होगा, ठीक है। अब बताइए आप, ये जो P-3 है माइनस वाला किसके पास जाएगा? कॉपर के पास जाएगा, H इसके पास जाएगा, पता है H+ जब SO4-2 को जाता है तो H2SO4 बनता है। और ये कॉपर +2 में फॉस्फोरस -3 में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं, तो क्या हो जाएगा? Cu3P2।
बात सही है यहाँ पर, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी उस तरह होगा। एच जी किस में है, प्लस टू में है, ठीक है। मैं उसका भी मैकेनिज्म डिस्कस कर दूँ आपको। देखिए एच जी किस में है, प्लस टू में है। फोस्फीन का जो टूटेगा वो किस में हो जाएगा, माइनस थ्री में होगा, तो क्या होगा एच जी थ्री पी टू। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारे रिएक्शन लॉजिक बेस्ड हैं, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या बोलूँ, फोस्फीन इज अ वीकली बेसिक इन नेचर। फोस्फीन क्या है, वीकली बेसिक इन नेचर है। क्यों वीकली बेसिक है, बेसिक होने का कारण क्या है, क्योंकि फोस्फीन के पास क्या है, अपना एक लोन पेयर है। फोस्फीन के पास क्या है, लोन पेयर, इसलिए कैसा नेचर रखता है, वीकली बेसिक नेचर रखता है, क्योंकि ये लोन पेयर वो सामने वाले को डोनेट कर सकता है। जो भी लोन पेयर डोनेट करता है वो बेसिक बेसिक माना जाता है। अमोनिया भी बेसिक है, ठीक है। तो वीकली बेसिक है, इसलिए एसिडिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है। जैसे देखिए एच बी आर अपना एसिडिक एक एसिड है, एच आई एक एसिड है, तो इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो पी एच थ्री क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा एच बी आर को, और एच बी आर से चिपका रहेगा, तो क्या बन जाएगा पी एच फोर बी आर, पी एच थ्री प्लस एच बी आर, तो चार एच एच हो गए, तो फोर एच हो गए बी आर पी। इस तरह एच आई के साथ होगा, तो पी एच थ्री प्लस एच आई, तो पी एच फोर आई। ये क्वेश्चन एन सी आर टी अपने टेक्स्ट में दिया, और ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन का है। उसमें क्या क्वेश्चन था कि प्रूफ डैट पी एच थ्री हैज़ बेसिक इन नेचर बाई गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि कैसे प्रूफ करें, तो एक एग्जाम्पल आपको ये देना है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्या पता चलता है कि पी एच थ्री हैज़ बेसिक नेचर। अब आते हैं कुछ पी फोर के कुछ रिएक्शंस पर। देखिए जब पी फोर एसओ सी एल टू के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है पी सी एल थ्री प्लस एस टू सी एल टू, लेकिन जब वही पी फोर एसओ टू सी एल टू के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है पी सी एल फाइव। देखिए इसमें ओ एक है, इसमें ओ दो है, तो इसका ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पी फोर जीरो में, जबकि यहाँ पी प्लस पाँच में, यहाँ पी फोर जीरो में, तो यहाँ तीन में है, यहाँ तीन में इसलिए है क्योंकि ओ कम है, ओ कम है तो ऑक्सीडेशन कम कर पा रहा है, जबकि यहाँ पर ओ डबल है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, तो ये जीरो से पाँच चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये जैसे याद करने का तरीका है, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का टाइम ही नहीं है बस, तो याद कर लीजिए बस। एक ओ है तो कम ऑक्सीडेशन होगा, दो ओ है तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा। साथ में ये पी फोर में क्या बनता है, एस टू सी एल टू, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। मेनली तो ये ध्यान रख लीजिए क्या बनता है, मेन कंपाउंड जो मेन प्रोडक्ट है वो पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव है। एम्स में ऐसा पूछा सकता है कि साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है। फिर आते हैं हम लोग पी सी एल थ्री और पी सी एल फाइव, जो दोनों फॉस्फोरस का अपना क्लोराइड है, दोनों का हाइड्रोलिसिस देखते हैं। तो हाइड्रोलिसिस देखते हैं एक बार, तो पी सी एल थ्री का हाइड्रोलिसिस एंड पी सी एल फाइव का हाइड्रोलिसिस। तो जो पी सी एल थ्री है, एक हाइड्रोलिसिस का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस के दौरान कभी भी प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का दोनों में से किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सेम होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है हाइड्रोलिसिस का। तो अब देखिए यहाँ पी सी एल थ्री, पी किस में, प्लस थ्री में, तो इसका वही हाइड्रोक्साइड बनेगा हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्लस थ्री में हो। और हम जानते हैं फॉस्फोरस का जो हाइड्रोक्साइड प्लस थ्री में होता है वो एस थ्री पी ओ थ्री होता है। पी सी एल फाइव प्लस में है, तो इसका भी प्लस फाइव वाला ही एसिड बनेगा, तो क्या है एस थ्री पी ओ फोर। ऐसे तरीके से याद करने पर आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का नियम है, पता है मुझे कि रिएक्टेंट और जो उसका प्रोडक्ट है वो दोनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पर पी सी एल थ्री प्लस थ्री में है तो एस थ्री पी ओ थ्री भी प्लस थ्री में होगा। पी सी एल फाइव यहाँ फॉस्फोरस प्लस फाइव में है तो एस थ्री पी ओ फोर का भी फॉस्फोरस प्लस फाइव में होना चाहिए। गेटिंग। फिर आते हैं पी सी एल फाइव के बारे में। पी सी एल फाइव का ये स्ट्रक्चर देखिए, ये पी सी एल फाइव का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये ऐसे प्लेन है, एक सी एल ऊपर है, एक सी एल नीचे है, और तीन सी एल प्लेन में है, ठीक है। तो जो ऊपर सी एल और नीचे सी एल है, इनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए वीकली ये वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए जो रिएक्शन होता है सबसे पहले यही दोनों बॉन्ड टूटते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले। इसे देखिए जब भी पी सी एल फाइव को हीट करते हैं तो पी सी एल थ्री और सी एल टू के फॉर्म में अलग हो जाए। क्यों, जो ऊपर वाला सी एल था, नीचे वाला सी एल था, दोनों टूट के सी एल टू बना दिया, और ये जो तीन सी एल थे वो साथ में ही रहेंगे। तो इसलिए जब भी पी सी एल फाइव को आप हीट कीजिएगा तो क्या बनेगा, पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू, क्या बनेगा, पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू, ध्यान रखना आपको। जैसे मान लीजिए ए जी से रिएक्शन कराने पी सी एल फाइव का, तो इसमें भी क्या होगा, ये पी सी एल थ्री प्लस पी सी एल जो फाइव है वो टूटेगा किस में, पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू में। देखिए तो एक जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या अपना पी सी एल थ्री हमेशा बनेगा, अब जो सी एल टू बना है उसमें एक ए जी ले लेगा, ए जी सी एल बनाएगा, एस एन है तो एस एन को चार्ज दे तो एस एन सी एल फोर बनाएगा। बैलेंस कर सकते हैं, मतलब बैलेंसिंग मैं नहीं कर रहा पर उसके कारण कन्फ्यूज नहीं होना आपको। तो ध्यान रखना हो क्या, पी सी एल फाइव में जब भी टूटता है पी सी एल फाइव, तो पी सी एल थ्री और सी एल टू में, तो पी सी एल थ्री हमेशा साथ में रहेगा और सी एल टू उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर आते हैं एक डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन है दो, एक एस थ्री पी ओ थ्री का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से याद करिएगा, ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस थ्री पी ओ थ्री और इधर एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ छूट गया था, तो यहाँ पर अपना एस थ्री पी ओ टू, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन लिंक है। ये दोनों क्या है, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन है, एस थ्री पी ओ थ्री और एस थ्री पी ओ टू। तो देखिए एस थ्री पी ओ थ्री जो है वो डिसप्रोपोनेट करता है, तो क्या बनाता है एस थ्री। देखिए जब भी डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन होता है तो ये प्लस थ्री में है, तो
एक ऊपर वाले में जाते हैं और एक नीचे वाले में जाते हैं। तो हाईएस्ट क्या है अपना, फॉस्फोरस का प्लस फाइव है तो एक चला गया ऑक्साइड प्लस फाइव वाले में, और सबसे लोएस्ट क्या है माइनस थ्री है तो एक माइनस थ्री वाले में आया, यानी कि एक क्या बनेगा पी एस थ्री और एक क्या बनेगा एस थ्री पी ओ फोर जब एस थ्री पी ओ थ्री डिस्प्रोपोर्शन कर रहा है तो। और बाई लक अच्छा है अपने को याद करने के लिए भी आसान हो गया क्या कि एस थ्री पी ओ टू भी यदि डिस्प्रोपोर्शन कर रहा है तो सेम प्रोडक्ट देगा पी एस थ्री प्लस एस थ्री पी ओ फोर। तो आपको यदि एस थ्री पी ओ टू पूछा जाता है या एस थ्री पी ओ थ्री पूछा जाता है कि डिस्प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपके लिए आसानी का बात क्या है, खुशी का बात क्या है कि दोनों के प्रोडक्ट सेम है पी एस थ्री प्लस एस थ्री पी ओ फोर। ठीक है, अब आते हैं कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस के बारे में। पहला बात तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसका मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, देखिए ये बॉन्ड कितने पास पास है यानी कि अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप है लेकिन 109 डिग्री एंगल नहीं हो पाता है। और देखिए टेट्राहेड्रल यहाँ पर आप जब फॉस्फोरस का ये निकालिएगा हाइब्रिडेशन तो क्या आएगा एस पी थ्री, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए एंगल, लेकिन इसमें 60 डिग्री एंगल होता है, इसीलिए क्या हो गया इसके कारण क्या हो गया स्ट्रेन पैदा होगा बॉन्ड के बीच में, क्या होगा स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन जब भी होता है तो क्या होता है अनस्टेबिलिटी होगा, जब भी कोई चीज़ अनस्टेबल होता है तो उसका रिएक्टिविटी क्या होता है ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा स्ट्रेन से ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, ज़्यादा अनस्टेबिलिटी से ज़्यादा रिएक्टिविटी, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर ये इट इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा हो तो किसी के साथ रिएक्ट करके वो ग्लोज करेगा, ग्लोज इन डार्क मतलब केमिल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करेगा ये। ठीक है, अब ज़्यादा रिएक्टिविटी है तो पॉइजनस भी है, बॉडी में दिख चला गया तो किसी सेल के साथ रिएक्शन कर जाएगा, किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर ये पी फोर है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन अब हम जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि पोलर कंपाउंड पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो जो पी फोर है अपना वो नॉन पोलर कंपाउंड है तो पानी में तो डिजॉल्व होगा नहीं, क्योंकि पानी क्या है अपना पोलर कंपाउंड है, इसलिए क्या है इनसॉल्युबल इन H2O। तो लॉजिक वाइज याद करना है, कुछ लोग रटते हैं इसको, रटना नहीं है आपको। फिर क्या है ये जो पी फोर है वो सोल्यूबल इन CS2, किस लिए CS2 में सोल्यूबल हो रहा है क्योंकि ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, ये भी नॉन पोलर है। अब देखिए करना क्या था बेसिकली पी फोर इन दोनों के बीच का जो वंडरवाल फोर्स है उसको CS2 ख़त्म कर सकता है। ठीक है, कोई चीज़ किसी में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलता है, जैसे मान लीजिए ये पी फोर है, ये दूसरा पी फोर बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तीसरा चौथा पेपर, इसका इसके साथ वंडरवाल फोर्सेस से अट्रैक्शन है, वंडरवाल फोर्सेस से दूसरे एक दूसरे के बीच में वंडरवाल फोर्स वीक फोर्स है एक, तो जो CS2 है सॉल्वेंट जो है वो क्या कर सकता है इस वंडरवाल फोर्सेस को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये जो CS2 है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता, ध्यान रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड को कभी भी तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन वंडरवाल फोर्सेस को ख़त्म कर सकता है। तो वंडरवाल फोर्सेस यदि ख़त्म हो रहे हैं तो यानी कि इसका ये सॉल्यूबल हो रहा है CS2 में। ठीक है, आपस के अट्रैक्शन को छोड़कर वो इसके साथ CS2 के साथ मिलने जा रहा है, इसलिए ये P4 में के बीच में वंडरवाल फोर्सेस है, इसलिए ये सोल्यूबल इन CS2 है। और इसका एक रिएक्शन दिए हैं कि ये अनस्टेबल है तो चल तुरंत ऑक्सीजन के साथ जो एयर है एयर मीडियम के साथ रिएक्शन कर जाता है P4 ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी, और क्या बनाता है P4O10 बनाता है। बात समझ में आ रहा है मेरा। आते रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस किससे बनता है, इसी को हीट करते हैं तो रेड फॉस्फोरस बनता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस में आपको दिख रहा होगा दो यूनिट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड आ गया है, कोवेलेंट बॉन्ड आ गया इसलिए क्या हो गया ये स्टेबल हो गया, पहले तो बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, थोड़ा एंगल बढ़ा इन लोगों का तो उसके कारण स्टेबिलिटी आएगा, स्टेबल है इसलिए ये डार्क में ग्लो नहीं करेगा, इसलिए ग्लोज इन डार्क अब्सेंस है इसमें, ये पॉइजनस भी नहीं होगा। बात सही है, चूंकि ये भी नॉन पोलर कंपाउंड है तो ये भी पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए मैं लिखा पानी में सॉल्युबल ये भी नहीं होगा। अब CS2 में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, तो CS2 का मैंने मैकेनिज्म बताया, CS2 वंडरवाल फोर्सेस को खत्म कर सकता है कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं, जबकि यहाँ इसको सॉल्युबल बनाने के लिए हमको इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड को तो CS2 तोड़ ही नहीं सकता है, तो यानी कि जो अपना रेड फॉस्फोरस है वो क्या है इनसॉल्युबल इन CS2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, ट्विस्टिंग वाला पॉइंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग गलती करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बीच में, आप एक बार कॉपी पर लिख के देखिए इसको। ठीक है, NCERT में दिया, NCERT की रीडिंग लगाइए, इसके बाद ही टाइम है आपके पास। तो फिर आते हैं ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस तीसरा है। ब्लैक फॉस्फोरस के दो फॉर्म होते हैं, एक होते हैं अल्फा फॉर्म, दूसरा होता है बीटा फॉर्म। जो अल्फा फॉर्म है वो बनता है रेड फॉस्फोरस के हीटिंग से, जबकि जो बीटा फॉर्म है वो बनता है वाइट फॉस्फोरस के हीटिंग से। देखिए कैसे याद रहेगा आपको, तो बीटा सबको कैसा चाहिए वाइट, सब चाहते हैं क्या वाइट कलर का बेटा मिले, तो बीटा क्या चाहिए वाइट, तो वाइट फॉस्फोरस है बीटा और रेड फॉस्फोरस है अल्फा। ठीक है, फिर देखिए ये रिएक्शन तो कर ही चुके हैं, P4 का Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है, एक बार लिमिटेड ले रहे हैं एक बार एक्सेस ले रहे हैं, तो लिमिटेड लेंगे तो क्या होगा PCl3 बनेगा, तीन ही Cl चिपकेगा, जबकि एक्सेस लेंगे तो क्या होगा 5 Cl चिपकेगा, तो PCl5 बन जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहा है एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा, ये नीट में रिपीट हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है एम्स का है, वो एम्स क्या पूछा है, एक बार CuSO4 दिया, ठीक है, उसका रिएक्शन एक बार फॉस्फीन से कराता है और एक बार अमोनिया से कराता है।
अब देखिएगा, अमोनिया के पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, लेकिन अभी डिस्कस किए थे CuSO4 का फॉस्फीन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, वो Cu3P2 बनाएगा, तो यहाँ बन गया Cu3P2। लेकिन उसी ग्रुप का मेंबर नाइट्रोजन NH3 के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, क्या बन रहा है, CuNH3 का होल 4 SO4। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अमोनिया है, अमोनिया का जो कम्प्लेक्सिंग प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होता है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। आप जब कम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ आपने जरूर पढ़ा होगा ये बात कि अमोनिया का जो कम्प्लेक्सिंग प्रॉपर्टी है वो फॉस्फीन से ज़्यादा है, इसलिए अमोनिया इसको कम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, जबकि फॉस्फीन कम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो फॉस्फीन, फिर फॉस्फोरस के हैलाइड थे PCl4, PCl5 एंड समथिंग रिएक्शन, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ये थे, ये कुछ पार्ट्स थे जो फॉस्फोरस से रिलेटेड। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप एक बार दो बार इसको देखिए वीडियोस को, तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा।